टोन यही ले लेता हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। आज के जो आपने कार्यक्रम किया है उसके मुख्य अतिथि श्री सोनकर जी, भरत मूर्ति मिश्रा जी, स्टेट बैंक के पदाधिकारी श्री विमल जी, जनरल मैनेजर साहब और आप सभी किसान भाइयों और रुचि सोया के श्री प्रदीप फूलवाल जी और आप सभी दोस्तों, अभी भरत मूर्ति मिश्रा साहब से जो आपने नाप तौल भरा भाषण सुना उसके बाद मुझे लग रहा है कि जैसे तेंदुलकर की बल्लेबाजी के बाद अनिल कुंबले को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और वो भी जो विषय है किसान और दीन, जो नोटों का नोटबंदी वाली बात है उस पर बात करना मेरे लिए एक अलग तरह की बात है। क्रिकेट पर तो मैं कभी आंख मूंद कर भी बातें कर सकता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं ज़रूर कहूंगा जो मैं सोचता हूं एक आम इंसान की तरह। एक बात कपिल देव साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब मुझे हाफ वॉली मिलती है ना तब मैं ये नहीं सोचता कि इसको चौका लगाना चाहिए या छक्का, मैं जम कर आगे आकर उसको सिक्सर मार देता हूँ। तब मैं ये नहीं सोचता कि बॉलर के परिवार वाला क्या सोचेगा, या तब मैं ये भी नहीं सोचता कि इसमें कहीं आउट होने का जोखिम तो नहीं है। तो वो टीम के हित में जो भी काम हो सकता था, अगर तेज रन बनाने की ज़रूरत है तो हाफ वॉली मिलते ही वो सिक्सर मार देता था। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने भी यही किया, बहुमत की हाफ वॉली जैसे ही मिली उन्होंने वो काम कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी उन्होंने सिक्सर मार दिया। इस पे लेकिन समस्याएं बहुत है। क्रिकेट में मैं अक्सर कहा करता हूं कि 11 मामूली लोग मिलकर एक महान टीम की रचना कर सकते हैं, और कई बार 11 महान खिलाड़ी मिलकर भी एकदम मामूली टीम बना सकते हैं। तो हमारे देश की कोशिश ये होनी चाहिए कि 11 भले से हम मामूली लोग हों लेकिन एक महान देश की रचना करनी। अकेले प्रधानमंत्री सब काम नहीं कर सकते, हमको भी करना है, और अगर उनके प्रयासों को सफल बनाना है तो हर किसान को, हर व्यक्ति को। देखिए समस्या ये है कि आपने कंप्यूटराइजेशन कर दिया, मोबाइल एप्लीकेशन शुरू कर दिया रातों रात, लेकिन लोगों को दिक्कत ये है कि ज्ञान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि देश की इतनी बड़ी आबादी आज पढ़ी लिखी नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, और बिचौलिए लोग जिनको इसका ज्ञान है वो परिस्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी मेरे भाई के कंप्यूटर पे परसों ही एक मैसेज आया कि आपका अकाउंट नंबर बताइए क्योंकि हमको आपको इनाम देना है $600। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अकाउंट नंबर बताया कि आपका पैसा साफ। तो ये जो इसके साथ जुड़ी हुई कई दुर्घटना वाली बातें हैं उसकी सिक्योरिटी का क्या, और किसान भाइयों को इसके बारे में समझाएगा कौन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। इसके फायदे तो बेशुमार हैं, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं, लेकिन किसान भाइयों को जागृत रहना पड़ेगा, अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताएं। ये फायदा ज़रूर है कि बिचौलिए दूर हो जाएंगे और आपके पास आपके अकाउंट में पूरा पैसा तुरंत आ जाएगा, आप एक्सप्लॉइट होने से बच जाएंगे, लेकिन सुरक्षा की बातें भी आपको समझनी होगी, और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लें उतना अच्छा है। जैसा भरत मूर्ति मिश्रा साहब ने कहा कि भारतीय किसान मेहनती बहुत है, ईमानदार भी है, कर्तव्यनिष्ठ भी है, लेकिन नई तकनीक को जल्दी से अपनाने में हिचक करता है, और ये हिचक हमको दूर करनी होगी क्योंकि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। ये क्रमशः उत्थान का काम नहीं है, ये एकदम से एक छलांग लगाने वाली बात है, और इसके लिए देश के हर व्यक्ति को कटिबद्ध रहना पड़ेगा। और मैं रुचि सोया कंपनी के अधिकारियों की प्रशंसा करूंगा और साथ ही स्टेट बैंक जिन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम कमाया, क्योंकि अगर जागृति नहीं फैली किसानों में, अगर लोगों को इसके फायदे के बारे में पता नहीं चला, अगर लोग नई टेक्नोलॉजी के कारण ठगाए गए, ये सारी चीज़ें असफल हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जन जन तक फैलाएं, एक क्रांति की तरह इसको फैलाएं, और सबको मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें क्या विशेषताएं हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात जो साइबर क्राइम नाम की चीज़ है,
जो बहुत तेज़ी से फैल रही, क्योंकि जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ फितरत भी है, जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ वहाँ लालच भी है। तो ये बात है, जो लालची लोग होते हैं वो इस तरह के काम में कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना लेना, इस तरह की आदतों में बहुत बुरी तरह संलग्न हो चुके हैं। और जो साइबर का ज्ञान रखते हैं वो लोग बिचौलिया बनकर किसी तरह उन लोगों को ठगने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें इसके बारे में मालूम नहीं। इसलिए जन जन में यह बात फैलाना बहुत ज़रूरी है, और किसान को मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरह से अपने अधिकारों की सुरक्षा करें और कंप्यूटर में होने वाली ठगी से बचें। और सबसे बड़ी बात कि जो बात है कि आपकी आपका अधिकांश धन बिचौलिए लिए जाते थे पहले, वो अब आपके अकाउंट में डायरेक्ट पहुँचेगा। सारे बैंक वाले इस काम में मदद कर रहे हैं। अपने प्रश्न पूछने में कभी कंजूसी मत करिए, जिस तरह खाद बीज डालने में आप कंजूसी नहीं करते, उसी तरह प्रश्न को पूछने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ज्ञान पूरा लें। और जैसे एक और बात जो आपने कही कि भारतीय किसान महत्वाकांक्षी नहीं है, तो जैसे हम देखते हैं कि जब विराट कोहली या तेंदुलकर जाते हैं ना, अपने विकेट का एक मूल्य टांग देते हैं, इतने रन तो मैं बनाऊँगा ही, उसके बाद ही वापस जाऊँगा, उसी तरह से किसान को अपनी ज़मीन का मूल्य टांग देना चाहिए, अपने परिश्रम का मूल्य टांग देना चाहिए कि मैं एक एकड़ में इतनी खेती तो करूंगा ही और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूंगा। आशा है क्रिकेट और किसान और कृषि मिश्रित मेरी इस बात को आप सहमति के साथ सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।